इसमें जो हलुआ, ये रहा भुजिया और ये रहा अंडा, ठीक है, और ये रहा रोटी, ये हस्बैंड जी का ब्रेकफास्ट। तो गाइस यहाँ पे जो है मैं सेम को मतलब ऐसे किस तरह से मैं बनाती हूँ वो दिखा रही हूँ। तो साइड से ऐसे मतलब खींच खींच के निकालते हैं, ऐसे मतलब लच्छे जैसा निकल जाता है और फिर इसको कट कर देते हैं। तो इसकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं मसाला वगैरह भूनने के लिए रख दी थी, तभी मैं सेम कट कर रही थी। एक साइड में मसाला हमारा पक जाएगा, इस तरह से टाइम की बचत भी हो जाती है। और यहाँ पे आलू वगैरह भी कट हो गया है, तो आलू सेम आपको लगता होगा सब्ज़ी काफ़ी सारा बना रही है, इतना क्या करेगी, नहीं तो सबके लिए मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है ना। तो मेरी देवरानी जो कल ही चली गई थी, आपको जैसा कि पता है शादी में गई हैं अपने भाई की, तो हम लोग को भी जाना होगा। तो आज वाला दिन जो है ना बारात है, तो हम लोग रिसेप्शन कल ही है, तो कल हम लोग निकलेंगे। तो मैं आपको आज ही वीडियो में बता दे रही हूँ। और यहाँ पे एक साइड में मैं दाल भी रख दी हूँ और हमारा सब्ज़ी जो है रेडी हो गया है। मैं अलग बर्तन में इसको निकाल दी हूँ। और यहाँ पे मैं राइस को अभी थोड़ा सा चेक कर रही हूँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ कीड़े उड़े हो, तो ऐसे तो बिल्कुल मतलब चेक ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, मतलब थोड़ा सा देख ले रही हूँ। ऐसे तो बिल्कुल चावल बिल्कुल फ्रेश है, क्लीन है, देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, चावल बिल्कुल फ्रेश रहता है, पैकेट वाला चावल होता है। और गाइस देवरानी जो है मेरी आ रही हैं, उनके भाई की शादी, एक देवरानी जो कल ही रात में गई थी, मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाई। हाँ तो जो है परी की मम्मी है वो आ रही हैं अभी, कल हम लोग को जाना है रिसेप्शन में। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो वो सबके लिए मैं खाना जो है बना रही हूँ। नीचे सासू माँ और देवर हैं छोटे वाले, उनके लिए, और जो देवरानी देवर आ रहा है उनके लिए और हम लोग के लिए। तो वही सेम आलू की सब्जी और चावल बना दी हूँ, दाल बना दी हूँ, और ठीक है, और गोश्त भी रखा हुआ है वो भी बना दूँ, इसका गोली। पहले ये सब रेडी कर देते हैं क्योंकि लाइट कटा हुआ है अभी, तो गोश्त को मिक्सी में पीसना पड़ेगा, तो इसीलिए तो अभी सारा बर्तन यहाँ पे मैं क्लीन व्लीन कर ली हूँ, अभी चावल को वॉश करती हूँ। तो दाल को मैं दूसरे साइड में रख दी हूँ और फिर उसके बाद चावल इस साइड में रख दी हूँ कि दाल चावल जो एक साथ हमारी बन जाएगी। और सब्जी तो रेडी है, तो बाकी देखेंगे, चटनी वगैरह बना लेंगे। और कोफ्ता भी मुझे गोली जो है बनाना है, तो देखिए कब तक बन रहा है। और भी बहुत सारे काम है, पता ही, कहीं जाना हो और भी कहीं पार्टी उटी में जाना हो शादी उदी में, तो जानते ही तैयारी करने में। और फिर मेरे पास तीन तीन बच्चे भी हैं। जी हाँ, कमेंट आया था कि आपके कितने बच्चे हैं, कौन कौन बच्चे हैं आपके, इतने सारे आपके वीडियो में बच्चे दिखते हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरी दो बेटी और एक बेटा, दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं मेरे, ठीक है ना। और दो बच्चे मेरी देवरानी के और एक परी जो है वो एक ही सिंगल है, वो अपने मतलब वो एक और देवरानी की, तो टोटल मिला के हमारे घर में छः बच्चे हैं। और यहाँ पे मैं चना भिगा के रखी थी, तो वो भी मुझे शाम तक बनाना है, ठीक है ना, मतलब ऐसे ही शाम में स्नैक जैसा हो जाएगा। और इसमें अभी मैं नमक जो है डाल देती हूँ, सॉल्ट। बहुत सारे लोग सॉल्ट नहीं डालते, सॉल्ट डालने का एक ही वजह है, सब्जी में ज़्यादा नमक ना डाल के चावल में रोटी में ये सब में नमक डालें, क्योंकि फिर चावल और रोटी सब्जी दोनों खाना होता है, तो इसीलिए ज़्यादा नमक हो जाएगा फिर सब्जी में, जैसे मतलब रोटी से ज्यादा नमक लगने लगेगा सब्जी का, इसीलिए मैं चावल में हमेशा नमक डाल के राइस को बॉईल करती हूँ। ये देखिए गाइस, परी की मम्मी आ गई। अली कौन आया है? परी अपना चेहरा दिखाओ। परी जो है फीडिंग कर रही है अभी, परी फीडिंग कर रही है अभी, परी की फीडिंग कर लेने दीजिए तभी। काजल देखिए परी, ओए होए परी, चल परी, ये सब क्या किए तू? अरे हटिएगा, परी आ गई है। परी हेलो बोलो सबको, परी, ए परी सबको हेलो बोलो। बॉली भाई इनको प्यार करे जा रहे हैं, प्यार करे जा रहे हैं, मिठू ले रहे हैं और फिर पूछ भी ले रहे हैं, गंदा लग गया। परी का काजल, परी को भूख लगी है। टाइम 12 बज रहा है गाइस। यहाँ पे मैंने गोली बनाने के लिए गोश्त को पीस ली हूँ। और यहाँ पे मैं धनिया की चटनी बनाने जा रही हूँ। फटाक से चटनी बनाते हैं, टेस्टी वाली, तभी खाना खाया जाएगा, ठीक है ना। चटनी के बिना सब अधूरा है, मजा नहीं आता है। तो ढेर सारी चटनी जो है मैं पीस ले रही हूँ। मेरी देवरानी बैठी है, अभी हम लोग खाना भी खाएंगे, अभी चटनी वटनी बनाने के बाद हम लोग खाना खा लेंगे।
उसके बाद से जो जाने की तैयारी वारी है, कपड़े वगैरह निकालना, मेकअप फेसियल जो भी करना होगा वो सब करेंगे। आई मीन मेकअप, कल मेकअप का जो भी प्रोडक्ट होता सारा कुछ एक जगह रखना, वो मैं बता रही हूँ। तो सब कुछ सेट आज ही मैं कर लूंगी, कल तो सुबह से ही रेडी होना पड़ेगा क्योंकि मेकअप में तो ज्यादा टाइम लग जाता है, 2 घंटा तो लगेगा ही। तो इसीलिए कितना अच्छा कलर दिख रहा ना चटनी का मोबाइल में जो दिखता है वो। वाओ, सामने भी तरगोज भी पिसा गया है, यहाँ परी गोदी में चढ़ गई है परी रानी। ए परी रानी अपना काजल कितना फैला ली है, गुच्छा हो गई, गुच्छा हो गई बड़ी मम्मी से गुच्छा। वाह, जानती है गजला भी बुलाए, गजला यहाँ पे हम लोग अब खाना खाने बैठे हैं। आओ जल्दी आ जल्दी, अब परी परेशान की है, परी नहीं देगी, देखने जा रही आ रहा है कि नहीं कोई, परी उधर गई, परी चल के जा रही है चेक करने गई अली है कहाँ नहीं। आइए परी आइए, हम दाल नहीं लिए हैं, दाल नहीं खाना, सब्जी चावल खाना है, सेम आलू का सब्जी, भले मन करेगा तो बाद में ले लेंगे, नहीं इसे नहीं लिए, पहले सब्जी से खा ले और चटनी से, मूली भी तो है कि जाओ छीले अपने वक्त में। अब सरी आइए ना जल्दी, अकेले खाना खाने थोड़ी बैठे हैं, अब सरी गायब हो गई, पता नहीं कहाँ गई। तो मूली लाने चली गई हैं, ठीक है ना गाइस, तो मूली छीलने गई हैं, मैं बस ऐसे ही, मेरा दिल नहीं किया छीलने का, ही दिल नहीं करा कि मैं मतलब छील के लाऊं फिर, तो देखिए छील के लेके आई हैं देवरानी। अभी चलिए हम लोग खाना फटाक से, खाने के बाद बहुत सारी तैयारियां जो है, कपड़े वगैरह मेकअप का जो सामान वगैरह होता है वो सब निकाल के एक जगह सेट करके रख देंगे तो ठीक होता है, जैसे ब्रश वगैरह जो है वो गंदा पड़ा रहता है तो वो सब क्लीन कर देंगे, ब्यूटी ब्लेंडर है वो भी गंदा पड़ा रहता है। वैसे तो पहले मैं वीडियो करती थी, मतलब मेकअप का जो भी आई मेकअप वीडियो बनाती थी, तो अभी तो बनाना बिल्कुल बंद है क्योंकि टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैं सासू माँ को मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि कल जाना है ना शादी में, इसीलिए थोड़ी बहुत वो बोली है कि मुझे हल्का फुल्का, मतलब ऐसे ही सिंपल सा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी मेरा क्योंकि बोली और भी आप लोग को काम है और मुझे गोली भी बनाना है, तो ऐसे ही करते करते ये मैं मेहंदी लगा रही हूँ। अभी शाम हो गया और शाम के बाद अभी ऊपर जाऊँगी तो फिर चना वगैरह नाश्ता के लिए अभी शाम में बनाऊँगी और उसके बाद से गोली वगैरह पटाक पटाक मैं गोली बना रही हूँ क्योंकि सुबह मुझे निकलना है, मतलब और भी सारे काम जो थे निपट गए हैं। और यहाँ पे बर्तन जो है अभी पड़ा हुआ है ये धुलना है, 2-3 बार मैं धो चुकी हूँ बर्तन, ठीक है ना। अभी देवरानी देखिए क्या भेजी है, ये पूड़ी है दाल भरी हुई, पूड़ी दुल्हन जो आती है तो बनता है, ये चिकन है, तो ये आया है बहुत दूर से उनका घर, अब मैं कैमरे पे क्या बताऊँ, एड्रेस थोड़ी बताने बैठी हूँ, मतलब दूर है यहाँ से, दूर है, हम लोग कल जाएंगे तो आप लोग को पता चल ही जाएगा, ठीक है, तो आप लोग भी हम लोग के साथ चलिएगा। फटाक से मैं इसको बना लेती हूँ क्योंकि टाइम नहीं है कैमरा ऑन करने का बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ मैं टाइमर जो लगाई थी 20 मिनट का, तो अभी देख सकते हैं आप 1 मिनट बचा है, इसमें मैं आलू को बॉईल कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा ब्यूटी ब्लेंडर सोख करके रखी हूँ धोने के लिए, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा गंदा हो गया था तो इसको मैं अभी धुल देती हूँ शैम्पू डाल के। और यहाँ पे गोली जो है हमारा बॉयल वॉयल होके रखा हुआ है काफी टाइम से, ठीक है, अभी रात के 11:10 टाइम हो रहा है, तो अभी यहाँ पे जो टाइमर है कंप्लीट होने वाला है, तो टाइमर लगा देने से बहुत सही रहता है, अगर आप टाइमर लगा देंगे तो आपका ऑटोमेटिक ये इंडक्शन जो है बंद हो जाता है अगर आप, और वैसे तो मैं सोने जा रही थी, कॉल आ गया था देवरानी का। और यहाँ पे जो है देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक बंद हो गया खुद से, और आलू जो है हमारा चेक करते हैं बॉयल हुआ या नहीं, पानी तो सूख चुका है तो हम चेक कर लेते हैं हमारा आलू 20 मिनट में बॉयल, ओहो हो गया बॉयल, ओ माय गॉड, यानी कि 20 मिनट में इंडक्शन पे आलू बॉयल हमारा अच्छे से हो जाता है, सही है बिल्कुल। मैं सोने जा रही थी, मैं सोची अगर मैं सो गई तो ये आलू कहीं जल नहीं जाती थी, मैंने टाइमर सेट कर दिया कि 20 मिनट बाद ऑटोमेटिक ये इंडक्शन जो है बंद हो जाएगा, तो बहुत सही रहता है। और वैसे तो मैं गैस पे आलू रखी थी पर हमारा गैस जो अभी खत्म हो गया है, ठीक है ना, तभी दिखाते हैं, आलू में रख दी और देखिए नीचे से चालू है पर ये नहीं
गैस खत्म हो गया तो अभी हस्बैंड जी आते हैं तो उनसे सिलेंडर चेंज करवाती हूँ। तो उसके बाद से सुबह में मॉर्निंग में मुझे सारा कुछ उठ के फटाफट निपटाना होगा। सुमैया तारीन जो है सो चुकी है, यहाँ पे दो दो स्टूल लगा हुआ है, देवरानी और मैं दोनों बैठ के बातें कर रहे थे और बाबू को देखिए वहाँ पे मोबाइल देख रहा है। बड़े सुकून से बच्चा मेरा मोबाइल देखता रहता है नंगे, पैंट पहनता ही नहीं है बच्चा मेरा, क्या करूँ मैं बच्चे का। तो चलिए अभी चलते हैं और आप लोग को गुड नाइट बोलते हैं। मॉर्निंग में फिर से हम अपना ब्लॉगिंग जो है स्टार्ट करूंगी, ठीक है? तो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, लाफीज। और किचन हमारा कुछ इस तरह से, थोड़ा मोड़ा जो सामान है, अभी हस्बैंड जी खाना नहीं खाए हैं अभी, वो मतलब नहीं आए हैं घर पे, अभी कुछ काम से बाहर ही हैं। तो ये सारा कुछ खाना वाना खाने के बाद मैं सब कुछ सेटअप करूंगी। अभी जा रही हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। बाबू का दूध जो है रेडी हो गया। अली बाबू चलिए सोने, तो स्टूल को यहाँ साइड में कर दी और अभी मैं किचन को बंद करूंगी और सोने चलते हैं। अली बाबू चलिए सोने, अरे बेटा, अरे बेटा दूध सोने चलिए, अच्छा जी सोने चलिए सोने, नहीं करिए चलिए नहीं करने। सुमैया तारीन सो गई है गाइस, तो अभी हम लोग भी चलते हैं सोने और टाइम काफी ज्यादा हो गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।